नर्मदे हर। ये आश्रम ये देखिए बहुत ही सुंदर आश्रम, श्री शांति धाम। नर्मदे हर। अच्छा, ये महाराज जी फूल पीला वाला काय का है? ये गेंदा है, बाहर देसी गेंदा। अच्छा, विदेशी गेंदा है? ये वाला देसी गेंदा। हाँ, ये देसी है। ये क्या है? बेकला है, बड़ा बेकला होता है ना। बेकला? अच्छा, फूल तो इसका बहुत छोटा है लेकिन अच्छा लग रहा है। ऐसे ही रहता है। अच्छा, ये विदेशी गेंदा है। ये देखिए गौ सेवा भी करते हैं महाराज जी, गाय भी बंधी हुई हैं और इधर माई का किनारा भी है, ज़्यादा दूर नहीं है, माई के किनारे ही है उस तरफ से। और इधर से देखिए ये महाराज जी की झोपड़ी आश्रम जो कुछ कहें ये है। ये देखिए अंदर आते ही दृश्य बदल जाता है। ये महाराज जी का उठने बैठने का स्थान और ये धूना, ये महाराज जी का और भगवान कुबेर जी का भंडारा इधर है। ये भगवान हनुमान जी का मंदिर और यहाँ पर आरती वगैरह। ये कृष्ण कन्हैया, लड्डू गोपाल जी लड्डू हाथ में लिए बैठे हुए हैं, देखो बहुत सुंदर। और यहाँ पर ये स्थान, ये राम लक्ष्मण सीता, ठीक इसके ठीक अपोजिट में हनुमान जी। अच्छा, बहुत प्राचीन शिवलिंग। बहुत प्राचीन शिवलिंग, नीलमणेश्वर है। और इनको तो यहाँ चोरी करने आते थे पहले लोग। अच्छा, तो इनके अंदर बताया जाता है कि मणि है कोई। अच्छा, तो उसके लिए चोरी वोरी करने आते थे लोग। यहाँ जो पूर्व संत थे उनने फिर इन पर कोई लाल कलर सा ऐसा पोत दिया था, जिसमें पहले क्या कि इनमें ज्योति का वो दर्शन होता था। अच्छा, तो उसके चक्कर में लोग आते थे इनको चोरी वोरी करने के लिए। ये फिर बाबा जी ने कुछ सफेदा और लाल ऐसा कुछ पोत दिया था, तो वो चीज़ उनकी छुप गई। छुप गई। अच्छा, बहुत प्राचीन शिवलिंग है ये। इधर शायद भोजन सामग्री के लिए। और ये देखिए आगे इधर माई का किनारा, नर्मदा जी का इधर किनारा है। इधर भी देखिए जब अधिक भीड़ भाड़ होती है तो भोजन वोजन के लिए भट्टे टीले को बना रखे हैं महाराज जी ने। यहाँ समाधि स्थल भी है किसी देव पुरुष का, किसी दिव्य संत। ये भोजन सामग्री के लिए इधर व्यवस्था है। नर्मदे हर। नर्मदे। प्रभु जी आश्रम पे आप अकेले ही रहते हैं और भी शिष्य हैं? हाँ, अकेले बस रहते हैं, बाकी समय समय पर भगत लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा तो शुभ नाम महाराज जी आपका? बाबा बालक दास। बाबा बालक दास। अच्छा अच्छा, तो किस अखाड़े से हैं महाराज जी आप? हम दिगंबर अखाड़े से। दिगंबर अखाड़े से महाराज। यहाँ ये स्थान
आपने ही सृजन किया था स्थान या पहले से है? स्थान आज से करीब 59 साल पहले अच्छा संत श्री सुआ वाले दादाजी का यहाँ पदार्पण हुआ। सुआ वाले दादाजी, सुआ वाले, उनकी समाधि है यहाँ। अच्छा, 30 साल पहले उनने समाधि ले ली है जी, शरीर छोड़ दिया है जी, और उनने इस स्थान पे आधारशिला रखी जी और यहाँ तप किया वीरानगी में। उस समय मतलब ये पूरा जंगल हुआ जंगल करता था यहाँ से वहाँ तक। हाँ। कोई गांव यहाँ मकान या कुछ नहीं था, कुछ नहीं जी, और सब में जानवर विचरण करते थे। अच्छा, उस वीरानगी में सुआ वाले बाबा जी ने यहाँ तप करके जी और इस स्थान को मूर्त रूप दिया। तो जब तक उनका कार्यकाल रहा 30 साल तक, उनके बाद में उनका जब शरीर पूरा हुआ तो एक अभ्यागत संत यहाँ परिक्रमावासी गांव में रहते थे जी, चतुर्मास कर रहे थे जी, गोकुलदास त्यागी जी। फिर गांव वाले लोगों ने उनको यहाँ बिठा लिया, तो 28-29 साल तक उनने इस आश्रम को संभाला। 28 वर्ष तक जी तक वो यहाँ रहे, और अभी 4-5 वर्ष से वो मतलब यहाँ से चले गए जी, मतलब वो भी ब्रह्मलीन हो गए। अच्छा। उसके बाद में उनसे पहले भी हम आते जाते रहे यहाँ, उससे पहले भी हम मतलब 98-96 में यहाँ रहे जी, 99 में हम यहाँ से चले गए जी जी, उनके सानिध्य में रहे। और उसके बाद अभी मतलब 21 में 18 में अच्छा 18 में फिर हम यहाँ आए जी, तो ये पूरा वीरान पड़ा हुआ था जी, और यहाँ एक छोटी सी टापरी थी जहाँ अपन बैठे हैं, तो वो भी गिर गई थी जी, तो हम यहाँ वैसे ही भ्रमण करने के माध्यम से ऐसे टापरी बोले झोपड़ी हाँ। अच्छा हाँ। तो वो गिर गई थी, वीरान हो गया था हाँ। तो फिर हमने सोचा यहाँ कुछ करें जी, तो जब से पर यहाँ हम रुके हैं 5 साल हो गया, 6वां साल चालू हो गया। अच्छा, और धीरे धीरे करके ये छोटा छोटा विकास चल रहा है। नहीं, ये काफी अच्छा लग रहा है, अब काफी अच्छा। अभी 6 साल के अंदर ही अंदर 5 साल में ये सब हुआ है, थोड़ा 5-6 साल में। तो आकाश वृत्ति आश्रम है, इसको कोई आय नहीं है जी, कोई मतलब खेती पाती भी नहीं है। अच्छा, बाकी हम लोग रम्मत करने या भिक्षावृत्ति करने भी नहीं जाते हैं, जो भी मान रमदा देती है ठाकुर जी जो यहाँ देते हैं उसी प्रसाद में परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं, आने वाले भक्तों की सेवा करते हैं और ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। परिक्रमावासी रुकते हैं यहाँ पर? परिक्रमावासी बहुत रुकते हैं, 100, 50, 150, 200। अच्छा, इस पूरे प्रांगण में परिक्रमावासी बनते नहीं, इतने परिक्रमावासी रुकते हैं। नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने यहाँ बहुत भीड़ रहती है। अच्छा जी, 3 महीने, बाकी इसके बाद में फिर फरवरी से थोड़ी कम हो जाते हैं, उस तट में ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, उस तट में नहीं रहती 3 महीने भीड़, 3 महीने इस तरफ ज्यादा भीड़ रहती है, और फिर जनवरी के फरवरी के बाद उस तरफ भीड़ चालू हो जाती है। फरवरी से वहाँ नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने इधर भीड़ रहती है। अच्छा, कभी कभी तो ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं कि इसमें पूरे प्रांगण में परिक्रमावासी नहीं सो पाते हैं, बन नहीं पाते हैं, तो बाहर मैदान में सुलाना पड़ता है। अच्छा जी, और मौसम खराब रहता है तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है परिक्रमावासियों को भी और अपन को भी करना पड़ता है। मंदिर में कभी कभी ऐसा समय आता है कि राम जी का जो छोटा सा मंदिर है तो 5-7 परिक्रमावासियों को उसमें भर दिए जाते हैं मौसम खराब के कारण, हनुमान जी के मंदिर में इसमें सुलाए जाते हैं। और ये सब तो अभी 2-3 साल में हुआ है, इससे पहले तो यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। तो ये महाराज अभी टिन सेट तो अभी भी बरसात में तो काम करता नहीं होगा? बरसात में काम नहीं करता है, इसमें पूरे में पानी गिरता है, बस छाया है, छाया है केवल, ऐसा है, छाया है बस। और वृक्ष है तो गर्मी में तो ऐसा रहता है कि कहीं भी आसन लगा लेता है साधु परिक्रमावासी, लेकिन बारिश में और सर्दी में ज्यादा दिक्कत होती है, और सर्दी में ही परिक्रमावासी ज्यादा आते हैं और गर्मी में कम हो जाते हैं, और बरसात में चतुर्मास रहता है तो सब रुक जाते हैं जहाँ के तहाँ। तो बाकी सर्दी का जो समय रहता है इसमें परिक्रमावासी ज्यादा चलते हैं और उसी समय थोड़ी दिक्कतें ज्यादा होती हैं। तो ऐसा भाव है हमारा, और परिक्रमावासियों को उद्देश्य से ही हमने ये टीन सेट बनाया है जी, क्योंकि रुकने की जगह नहीं है जी, और यही चाहते हैं कि परिक्रमावासियों के लिए कोई थोड़ा एक हाल तैयार हो जाए कि 500 परिक्रमावासी उसमें रुक सकें। दूसरी चीज, जो ये अव्यवस्थाएँ यहाँ हैं तो ये थोड़ी सी व्यवस्थित हो जाए, ऐसा भाव रखते हैं जी। ठाकुर जी जब कृपा करेंगे तो होगा जी। बिल्कुल नया, ठाकुर जी की कृपा माँ नर्मदा जी की कृपा ही है और अवश्य होगी, ऐसा नहीं है। अपने लिए कुछ नहीं है, ये साधु जीवन है, हम लोगों का जीवन तो परमार्थ के लिए है। जिनके तो भैया अभी हम आश्रम देख के आए हैं, इससे भी बेहतरीन भाई वे पे कई आश्रम पड़े हुए हैं, वहाँ के लोग कल
इंदौर में भी हमें एक बहुत अच्छी जगह दी है, उस पर भी कुछ दिन हम रहते रहे, पर बाकी हमें अच्छा नहीं लगता वहाँ। जहाँ से जहाँ छोड़ के चल, विनय का ग्राम पड़ता है इसी भोपाल जबलपुर रोड पे, वहाँ भी एक मंदिर है। अच्छा अच्छा। वहाँ भी हम 18 साल रहे। अच्छा जी। तो वहाँ भी अच्छा है, वहाँ भी बगीचा वगीचा लगाया था सब, थोड़ा सा लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। संत जीवन कितना है अपना, कितने समय का हो गया? लगभग हमारा जीवन साधु जीवन में आए 96 में हम आए हुए हैं। अच्छा। 96 में हमारा संस्कार हुआ है। 96 में आपने संन्यास लिया था? संन्यास लिया है। 93 में हमने नर्मदा प्रदक्षिणा किया था, जब हमारा साधु संस्कार नहीं हुआ था। अच्छा। बाल अवस्था में। हाँ। और उसके 3 साल बाद मतलब कि 96 में हमारा संस्कार हुआ, और 98 में पूर्ण संस्कार हुआ हमारा, हरिद्वार कुंभ। अच्छा। था उसमें। अच्छा अच्छा। तो आपने संन्यास लेने से पहले प्रदक्षिणा की थी माँ की? हाँ, नर्मदा प्रदक्षिणा किया था। तो उस समय का कोई अनुभव रहा हो आपके पास? अनुभव यही तो था कि परिक्रमा क्या किया था, तो परिक्रमा तो एक बचपना था। हाँ हाँ। मतलब परिजन लोग रिश्तेदार लोग जाते थे, तो मन में ऐसा भाव रहा था अपन भी परिक्रमा चलें। अच्छा। बचपना था और बचपने का भाव था, ऐसा कोई भाव नहीं था कि नर्मदा जी क्या है या भगवान क्या है, वो तो संतों से सुनते रहते थे नर्मदा की महिमा। नर्मदा परिक्रमा में साधु जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छे स्थान दर्शन के लिए मिलते हैं, अच्छे अच्छे संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, ऐसा मतलब संतों से सुनते थे। पहले भीड़ परिक्रमा नहीं करती थी। हाँ। आज जो भीड़ परिक्रमा कर रही है, पहले साधु लोग करते आज थे। से 20-25 साल पूर्व बहुत बहुत कम लोग परिक्रमा करते थे, संत ज्यादा परिक्रमा करते थे, ग्रस्त लोग नहीं करते। और जो ग्रस्त लोग अभी परिक्रमा कर रहे हैं, ये 10-15 साल के कार्यकाल में ज्यादा परिक्रमा लोग कर पा रहे हैं। अच्छा। पहले ऐसा नहीं था, पहले बस तो भैया अभी चली है जी, बस जीप है तो अभी आज के 10 साल के भीतर ही भीतर संत भी मतलब बहुत कम। ऐसा नहीं कि भीड़ बना के संत चलते थे। अच्छा। कभी दो चार दिन में एक दो संत दिख गए, 8 दिन में एक दो संत दिख गए, इस प्रकार से संत परिक्रमा करते थे। अच्छा। ग्रस्त लोग नहीं करते थे, करते थे तो वो ऐसे लोग करते थे कि जो ग्रस्त से विरक्त हो चुके हैं, जवाबदारियों से मुक्त हो चुके हैं, तो वो भी किसी संत के सानिध्य में करते थे। अच्छा। अब आज के समय में तो यह है कि परिक्रमा मतलब माँ नर्मदा का आशीर्वाद समझें, या उस माँ की प्रेरणा समझें, या लोगों को माँ के प्रति वैराग्य समझें, तो आज लगभग नर्मदा खंड से तो घर घर से लोग परिक्रमा जाते हैं। हाँ, अब तो देखते हैं बहुत भीड़ चलती है, बहुत भीड़ चलती है। हाँ। बहुत लाखों की तादाद में लोग परिक्रमा कर रहे हैं। जी जी। तो उस समय आपकी अवस्था क्या रही जब आपने? जब नर्मदा प्रदक्षिणा किया था 14 से 15 साल की उम्र थी। अच्छा। उस समय नर्मदा प्रदक्षिणा किया था 93 में। तो कुछ स्मरण उस समय का स्मरण ज़्यादा तो नहीं है। हाँ हाँ। बाकी थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि माँ के प्रति बहुत अच्छा भाव हमारा माँ ने बनाया, और हमें ऐसा लगा अपने आप में कि संसार में माँ नर्मदा का जो क्षेत्र है, माँ नर्मदा की जो तपस्थली है, माँ का जो दोनों तट हैं, ये बहुत पुनीत और पावन है, और इनमें जो शांति है, इनमें जो मतलब अनुभूतियाँ होती हैं, वो हमें अपने आप में उस समय ऐसा लगता था कि वो शायद कहीं नहीं। जी। और अब तो थोड़ा सा और भी संतों से मार्गदर्शन मिलता है, तो जिन जिन महापुरुषों से अपन ने दर्शन किया और उनकी वाणी से अपन को श्रवण करने को मिला, तो जहाँ तक कि सभी संतों का ऐसा भाव है कि कली काल में माँ नर्मदा ही वो शक्ति हैं जो संसार के कष्टों का निवारण करने वाली हैं, और ना ही वो कोई अनुष्ठान चाहती हैं, ना ही कोई त्याग चाहती हैं, मात्र वो तो ये चाहती हैं कि उसके नाम से आप यदि नर्मदे हर कर करके नर्मदे हर करके आगे कदम कदम बढ़ते हैं, तो आपके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। ऐसा माँ नर्मदा का भाव संत लोगों के द्वारा अपन को श्रवण भक्ति से मिलता है। अच्छा अच्छा। बाकी अपनी तो इतनी बुद्धि है नहीं कि नर्मदा जी के बारे में कुछ ज़्यादा बता सकें, लेकिन ये जानते हैं कि वाकई में जो ममता है माँ के अंदर, और वो संसार में किसी के अंदर नहीं है, जो नर्मदा के अंदर ममता है, यहाँ कोई भी आ जाए, शैतान हो, डाकू हो, किसी प्रकार का आदमी हो, जो नर्मदे हर कहता है उसको माँ भोजन भी देती है, उसकी सारी व्यवस्थाएं देती है, किसी प्रकार का भी प्राणी क्यों ना हो, लेकिन नर्मदे हर जहाँ कहता ही है वो आकर के माँ के किनारे, तो उसको माँ सारी व्यवस्थाएं दे देती है, उसके जीवन के सारे कलेश हर लेती है। ऐसा माँ नर्मदा का हम लोगों को भाव है,
और हम लोग उसी भाव को लेकर के हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, आकाशवृत्ति बैठे हुए हैं जी। 50, 100, 500, 1000, 10, 20 हजार लोगों का यहाँ भोजन कराते हैं जी। जो भी बन पाता है, लेकिन वो नरम नरम यह देती है, हमें पता नहीं है कहाँ से देती है और कौन लाता है, कैसे लाता है, ये हमें बिल्कुल पता नहीं है। तो आप अकेले सेवा देते हैं तो बड़ी परेशानी हो जाती होगी कभी कभी। परेशानी भी है और सौभाग्य भी है जी। परेशानी भी है और सौभाग्य भी है। शरीर को देखो तो परेशानी है जी, लेकिन भाग्य को देखो जी तो सौभाग्य है कि परमात्मा ने या माँ ने हमें इस योग्य समझा है जी। वो लाखों की भीड़ में कि अपने भक्तों की सेवा के लिए हमें नियुक्त किया है जी। हमारा सौभाग्य है जी। अब परेशानी तो शरीर है, तो शरीर में कष्ट तो होते हैं जी। किसी का भी शरीर हो, ज़्यादा वो शरीर चलेगा तो कष्ट तो होंगे। ये भी एक तरीके की तपस्या है, त्याग है। त्याग तपस्या, इसको तपस्या भी कह सकते हैं, त्याग भी कह सकते हैं और इसी को साधना भी कह सकते हैं जी। मतलब ये भाव ही सब कुछ है। भाव आपका अच्छा जहाँ है वही साधना है। और मनुष्य के जीवन में कुछ नहीं है, परमार्थ करना ही मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि अपने लिए तो संसार जीता है जी, अपने लिए तो संसार जीता है। पशु पक्षी भी जी लेते हैं अपने लिए, वो भी अपना पेट भर लेते हैं जी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का यूँ कहें सबके दाता राम। अजगर कहाँ 10-20 किलोमीटर चल पाता है भोजन के लिए जी, जी नहीं चल पाता है जी। तो अजगर जहाँ पड़ा होता है उसका भी पोषण होता है, वहीं पर मिलता है, मिल जाता है उसको जी, जी। तो हम लोग तो फिर मनुष्य हैं जो रामचरितमानस के माध्यम से ऐसा भी पूज्य पाठ तुलसीदास जी ने मानस में लिखा हुआ है, बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग तो वाकई उस सौभाग्य के धनी हैं, गौरव के धनी हैं का जो देवताओं को दुर्लभ है वो देह हम लोगों को सहज में प्राप्त हुआ है। और सहज में प्राप्त होने के बाद में और बड़ा भाग्य हमारा ये है, और बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि वो नर्मदा मैया की गोद में हम लोगों को रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये और ज़्यादा मतलब भाग्य की बात है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि मनुष्य जीवन में प्राणी आता है, अपने ग्रस्त में रहे या व्रक्त में रहे, लेकिन उसकी भावनाएं परमार्थ की होना चाहिए और परस्वार्थ उसको करना चाहिए जीवन में। किसी भी तरह बेसहारों को सहारा देना चाहिए, जहाँ से बन सकता है अपने आप को, भले ही कष्ट हो लेकिन किसी को कष्ट है तो उसके कष्ट में सहयोग करना चाहिए। तो ये भावनाओं को लेकर हम लोग यहाँ सेवा करते हैं और मैया उसकी पूर्ति करते हैं। हमें तो कई बार ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं माँ के बारे में, 50 परिक्रमावासी आ गए, हमारे पास 5 किलो आटा नहीं है, हम इनको कहाँ से भोजन कराएंगे। लेकिन पता चला कि हमारे पास आलू है, हम कुछ अमनिया कर रहे हैं या दाल है, चोखा कुछ भी बना रहे हैं, और कहीं से मैया 20 किलो आटा भेजा देगी जो कि उनको सबको भोजन हो जाएगा। अच्छा, ऐसा सैकड़ों बार होता है। अरे, एक बार नहीं, सैकड़ों बार ऐसा होता है कि वो अक्षमात्र माता जी कहाँ से व्यवस्था करती हैं वो रेवा मैया भोजन। लेकिन हमने ये देखा है, व्यवस्था हो जाती है, हमारा स्वयं निज अनुभव है ये। बिल्कुल, हमने यहाँ तक देखा कि हमने अपने कुटी में देखा कि आटा नहीं है जी, और 80-90 परिक्रमावासियों का भोजन बन रहा है जी, तो खिचड़ी बना रहे हैं, तो खिचड़ी भी इतनी नहीं है कि मतलब 90 परिक्रमावासियों को हम भोजन करा पाए जी, इतनी वो भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसी कुटी में जब दोबारा गए, मैया से प्रार्थना करते हैं, मतलब अंदर से भाव बना रहा है कि मैया क्या होगा, इनको कैसे भोजन करा पाएंगे। तो दोबारा उसी कुटी में जाते हैं तो पता चल रहा है कि हमको आटे से भरी हुई टंकी प्राप्त होती है। अच्छा जी। जिस कुटी को हम मतलब 10 बार देख चुके हैं, हमें पता है हमारे घर में कहाँ क्या रखा हुआ है जी। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ हमको ऑटोमेटिक मतलब ऐसा लगा कि मतलब ये क्या हो गया जी। और 25 किलो की टंकी आटे से भरी हुई रखी है। अरे, तो ऐसा भी मतलब माँ के चमत्कार हैं, अद्भुत चमत्कार है माँ के, तो माँ तो पूर्ति करती है। अच्छा महाराज जी, एक छोटा सा प्रश्न है, जैसे हम अभी ये दक्षिण तट पे बैठे हुए हैं, दक्षिण तट में बैठे हैं माँ नर्मदा के, तो दक्षिण तट का मतलब है अमरकंटक से जो यात्री आते हैं परिक्रमावासी, तो जैसे उधर से अगर आ रहे हैं तो ऊपर कितनी दूर अन्य क्षेत्र नहीं है स्थाई? यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी में स्थाई रूप से अन्य क्षेत्र नहीं। स्थाई रूप से अन्य क्षेत्र नहीं। अच्छा, बाकी सेवा तो मैया देती है, भूखा कोई नहीं रहता है। हर जगह जहाँ साधु बैठा है कुछ ना कुछ जो बनता है वो सेवा करता है, और नर्मदा मैया के किनारे रहने वाले जो गाँव है वो लोग भी सेवा देते हैं। तो कोई परिक्रमावासी को ऐसा नहीं है कि उसको भोजन नहीं मिलेगा या जल चाय नहीं मिलेगा, वो सब तो प्राप्त होता है। स्थाई रूप से अन्य क्षेत्र नहीं है।
स्थायी रूप से नहीं, अन्य क्षेत्र नहीं। और जहाँ हैं हम जैसे लोग जहाँ बैठे हैं फक्कड़, तो उन लोगों के पास अन्य क्षेत्र तो चला रहे हैं, चलाने का भाव है, समर्पित है उसके लिए, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं है, जितना हो पाता उतना कर रहे हैं। जी ऐसे और भी कई संत हैं जो मतलब व्यवस्थाएं नहीं होते हुए भी कर पाते हैं, और कई संत ऐसे हैं जिनके बड़े बड़े विशाल आश्रम बने हुए हैं, उनके पास सब कुछ है, ते के बाद भी वो परिक्रमावासी को जल भी नहीं देते हैं। ऐसे तो भी स्थान रमदा क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन ये बहुत कम हैं, लेकिन मतलब हैं, क्या बताएं, ऐसे कुछ स्थान तो माँ जाने क्यों ऐसा है, शायद नहीं करवाना चाहती उनसे माँ, उनका सौभाग्य नहीं है, सौभाग्य जैसे अभी आप कह रहे थे कि मेरा सौभाग्य जो हम करते हैं, तो उनके भाग्य में ये नसीब नहीं है, नहीं है ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग। जी बाकी वो माँ जाने बिल्कुल, किससे क्या करवाना है वो तो वो जाने, किसकी सेवा लेती है किसकी नहीं लेती है ये भी है, बहुत से सेवा करना चाहते हैं, माँ सेवा नहीं लेती उनसे। हाँ ऐसा भी है, कई लोगों ने मतलब चाहा कि हम यहाँ चल के कुछ करें जी, लेकिन वो करने के लिए निकल भी चुकते हैं घर से कि कुछ करें जी, पर बीच में ऐसी कोई विडम्बनाएं आती है कि वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते, तो रुक जाते, यही समझते हैं कि माँ स्वीकार नहीं कर रही, नहीं कर रही बिल्कुल। और माँ का तो वही रामचरितमानस में जैसे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो माँ तो निर्मल है और माँ की ममता तो सबसे परे होती है, और माँ की गोद में तो उसका पुत्र किसी प्रकार का भी हो, मतलब चोर भी है तो भी माँ को प्रिय है, अंधा है वो भी माँ को प्रिय है, पागल है वो भी माँ को प्रिय है, सज्जन है वो भी माँ को प्रिय है, दुर्जन है वो भी माँ को प्रिय है, क्योंकि माँ के लिए तो सब प्रिय हैं, सब प्रिय है, पुत्र कैसा ही भी हो माँ को प्रिय है। पिता को द्वेष हो सकता है कि ये दुष्ट है ये चोर है, लेकिन परिवार के अन्य लोगों को भी हो सकता है, समाज के लोगों को भी हो सकता है, लेकिन माँ को नहीं, क्योंकि माँ को तो सब प्रिय है, सब प्रिय। माँ एक ऐसी शक्ति है कि उसके लिए तो हर प्रकार का प्राणी प्रिय है, क्योंकि माँ 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 भेद नहीं देखती है, बेटा निर्दयी हो सकता है माँ नहीं, माँ नहीं हो सकती है। हाँ एक मतलब ऐसा वो कोई आरती है, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, माँ हम सब उतारे तेरी आरती, पूत कपूत सुने बहु तेरे माता नहीं कुमाता, कुमाता। तो ऐसा भी भाव महापुरुषों ने लिखा है चौपाई के स्तुतियों के माध्यम से, कि माता कभी कुमाता नहीं होती है, पूत कपूत हो सकता है, हो नहीं सकता है, मैंने हजारों प्रमाण हैं जो माता पिताओं को अनाथ आश्रमों में छोड़ के आ रहे हैं, जंगलों में छोड़ के आ रहे हैं, और ये जो नर्मदा परिक्रमा में अभी चल रहे हैं लोग, इसमें भी हमने मतलब एक हमारा निज अनुभव है कि इसमें भी 60% वो लोग परिक्रमा में चल रहे हैं जो घर से सताए हुए जी, बुजुर्ग 60% बुजुर्ग जी, हाँ बुजुर्ग लोग 60% वो परिक्रमा में चल रहे हैं जो घर से सताए हुए जी, घर से दुखी हैं जी, वो 60% लोग परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हीं में 20% लोग ऐसे हैं जो मतलब अलाल कह सकते हैं उनको, निकम्बे कह सकते हैं, कामचोर कह सकते हैं, ऐसे लोग भी 20% हैं जो नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। 10% लोग उनमें से ऐसे भी हैं मतलब जो माँ की परिक्रमा बिल्कुल सात्विक भाव से करते हैं, परिक्रमा ही उनका उद्देश्य होता है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं होता है, माँ नर्मदा का परिक्रमा ही उनका उद्देश्य होता है। 10% लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब मात्र नर्मदा परिक्रमा का एक सहारा लेकर के भजन करते हैं जी, जो ग्रस्त में रह के नहीं कर पाते हैं, विडम्बनाओं में रह के नहीं कर पाते हैं, तो एक माँ के नाम का उनने सहारा लिया और उस नाम से घर त्याग देते हैं, और त्याग करके नर्मदा मैया के किनारे आकर के कदम कदम चलते रहते हैं, और जगह जगह कहीं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन रुक रुक के और भजन करते हैं जी, अपने लिए साधन करते हैं। 10% ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी, तो इस प्रकार माँ की परिक्रमा में बहुत भीड़ चल रही है, लेकिन बहुत बिरले लोग हैं जो माँ की परिक्रमा का जो नियम है, जो माँ की परिक्रमा के संयम है उनका पालन करते हुए जो परिक्रमा करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग पाए जाते हैं। बाकी तो मेला है, तो मेला में सब चलते हैं। मेला प्रभु, हमारे ख्याल से मेरा जो मानना है, माँ चूँकि सबकी सुनती है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, भीड़ इसीलिए बढ़ती जा रही है, इसीलिए बढ़ती जा रही है। वो अपन अभी पूर्व कहा कि माँ के लिए सब प्रिय है, सब प्रिय है जी। आपको खांसी चल रही है,
आपने माँ से कहा मेरी खांसी ठीक हो जाए मैं परिक्रमा करूंगा, उसकी खांसी ठीक हो जाती वो परिक्रमा चल देता है। कोई के कैंसर है मेरे कैंसर ठीक हो जाए या कोई के घर के कैंसर है हम परिक्रमा करें। तो यहाँ से 30-40% आदमी, तो मेरी समझ में 60% आदमी मनोकामना परिक्रमा करते नहीं, वो 60 नहीं बल्कि 99% मान लो काम 99% लोग कामना को लेकर के परिक्रमा कर रहे हैं। और हमने भैया हमारे गांव में देखे महाराज जी, महापुरुषों का ऐसा कहना भी है शास्त्रों का भी ऐसा मतलब महापुरुषों की वाणी से मिलता है कि संसार जो है वो स्वार्थी है। स्वार्थी जी सुर नर मुनि सभी की यह रीति स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। संसार में बगैर स्वार्थ के तो कोई कुछ करता ही नहीं, बगैर स्वार्थ का कुछ करने वाला कोई है तो वो माँ है। माँ है जी जिसको कोई स्वार्थ नहीं, स्वार्थ नहीं। बाकी पिता को भी स्वार्थ है, पुत्र को भी स्वार्थ है, भाई को भी स्वार्थ है, संसार के हर प्राणी को स्वार्थ है, लेकिन एक वो माँ है जिसको कोई स्वार्थ नहीं। ऐसी कई कथाओं से भी संतों की वाणियों से मिलता है कि माँ ही एक ऐसी शक्ति है जो बगैर स्वार्थ के सेवा करती है, करती है पुत्र की जी निस्वार्थ भाव से। हाँ निस्वार्थ जी, पति की, पुत्र की, भाई की जी, बहन की, परिजनों की, समाज की, सबकी सेवा करती है वो माँ है। माँ के अलावा संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करता हो, करता कहीं ना कहीं स्वार्थ स्वार्थ रहता है, लिप्त है वो जी जी। और स्वार्थ मुक्त यदि कोई सेवा है तो वो माँ की सेवा है जी। फिर उसमें साधकों में भी ऐसा महापुरुष है, कई जगह संत है जो संत ऐसे हैं कि जिनका कोई स्वार्थ नहीं है अपना जी, वो भी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं जी। बहुत संत हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं, खुद का कोई अपना स्वार्थ नहीं है, अन्न नहीं पाते हैं जी, जल पी रहे हैं और हजारों लोगों को अन्न क्षेत्र चलाते हैं, चलाते हैं, वस्त्र देते हैं उनको जी, जी। कहाँ से संग्रह करते हैं, कहाँ से चेताते हैं, क्या करते हैं मगर वो सेवा करते हैं जी, जी। उसमें खुद का अपना कोई स्वार्थ नहीं है उनका जी जी, खुद वस्त्र नहीं है शरीर पे, सोने के लिए फट्टा बिछाए हुए हैं, एक फट्टा ओढ़ लेते हैं, ऐसे करके अपने खुद के जीवन का त्याग है, लेकिन आने वालों के लिए गद्दा है, कंबल है, तकिया है, भोजन है, अच्छा दूध है, चाय है, तो बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं। ये महापुरुषों का भी काम है, माँ के बाद कोई सेवा करने वाला है निस्वार्थ तो कुछ महापुरुष हैं जिनके बल पर ये धरा चल रही है, चल रही है जी। तो बाकी तो संसार स्वार्थ में ही है, कोई भी हो भगवान से हम कुछ भी एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो वो भी स्वार्थ में ही चढ़ाते हैं। तो अगरबत्ती भगवान को लगाने जा रहे हैं तो पहले भगवान से पहले ले लेते हैं, नर्मदा मैया से या किसी भी देवता से पहले ले लेते हैं, मेरा ये कार्य हो जाएगा तो एक नरियल चढ़ाऊंगा जी जी। तो उसका कार्य होता है तब नरियल चढ़ाता है, तब नरियल। संसार इतना बड़ा स्वार्थी जी जी, मगर माँ ऐसी है जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, अच्छा। जो भी इसकी शरण में आ जाता है उसको मुक्त कर देती है, मुक्त कर देती है, भक्ति से मुक्त कर देती है, वैराग्य से मुक्त कर देती है, शक्तियों से मुक्त कर देती है, सबसे परिपूर्ण कर देती है, और मतलब वो तो अपन में ही उसको अपने जैसा बना देती है, निर्मल बना देती है, निर्मल। ये माँ की ममता है, माँ की ममता। बाकी दुनिया में तो सब स्वार्थ ऐसा अपना मानना है, और अपना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ज़्यादा अध्ययन भी नहीं है शास्त्रों नहीं का। नहीं प्रभु, अध्ययन अलग हो गया, अनुभव आप लोगों के पास अनुभव होता है जी जी, वो जीवन का अनुभव मिलता है आप लोगों से जी। अनुभव में अभी अपन नर्मदा मार्ग में है तो परिक्रमा मार्ग में ऐसा भी देखते हैं कि जो लोग घर में बस ये कई गिलास अपना स्वयं का और वहाँ उनको पानी देने वाला दूसरा होता है, स्नान कराने के लिए दूसरा आदमी होता, लोग परिजन लोग होते हैं वो करवाते हैं, लेकिन कभी उनके अंदर प्रेरणा होती है कि हम नर्मदा परिक्रमा जाना है और वो नर्मदा परिक्रमा चल देते हैं। जब चल देते हैं घर से निकल जाते हैं तो अब हम ये देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, उन लोगों से बात होती है हमारी जो अपने घर में कुछ नहीं कर पाते थे, वो नर्मदा परिक्रमा में रोज 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चलते हैं और भोजन भी अच्छा करते हैं, नींद भी उनको अच्छी आती है, मतलब उनको ऐसा लगता है, वो बताते हैं कि हम लोग तो नरक से स्वर्ग में आ गए, स्वर्ग में आ गए जी जी, यानी जहाँ सारी सुविधाएं थी घर में लेकिन वो नरक था जी जी, और जहाँ कोई सुविधा नहीं है जी जी, फट्टी पे सोना है, पेड़ के नीचे सोना है, जो मिल जाए वो पाना है, तो मगर ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में, और जहाँ सुविधाएं थी वो नरक था
नर्क था। ये माँ की महिमा तो वो है कि ये मुर्दों को भी चला देती है जी, माने सब जो जो पड़े हुए हैं मुर्दे की तरह उनको भी माँ के दरबार में जब वो आ जाते हैं तो वो भी चलने लगते हैं। ऐसा माँ का चमत्कार है जी। और माँ के चमत्कार तो नर्मदा मैया के किनारे महापुरुषों से, संतों से, परिक्रमावासियों से बहुत मिलते हैं जी। वो कितने कितने प्रकार के लोग भाव अपने प्रकट करते हैं। हमने सुबह कहा माँ से कि आज को हमको कढ़ी पाना, तो पता चला कि चलते चलते शाम तक कढ़ी मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमें गुलाब जामुन पाना है जी। तो उसको गुलाब जामुन मिलेगा। किसी ने कहा मुझे रबड़ी पाना है, तो उसको रबड़ी मिलेगी। किसी ने कहा मैया मेरे पास कम्बल नहीं है, आज रात कैसे कटेगी, तो रात नहीं हो पाएगी, उससे पहले उसको कम्बल मिलेगा, मिल गया। तो ये सब माँ के चमत्कार हैं। ऐसा मतलब हम यहाँ बैठते हैं और चर्चाएं परिक्रमावासी करते हैं, तो वो चर्चाएं करते हैं, हम सुनते रहते हैं बैठे। जी जी जी। इस प्रकार के भाव बताते हैं, जंगल में भटक गए, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो पता चला कि कोई एक बुढ़ी माँ आई, उसने कहा बेटा इधर से मत जाओ जी, इधर से चले जाओ। बाद में उस माँ को खोजा, कहाँ गई तो मिली नहीं। ये माँ के चमत्कार हैं जी जी। और माँ तो बहुत दयालु है, माँ से ज़्यादा दयालु संसार में कोई नहीं सकता। बिल्कुल, ये हमारा मतलब अनुभव भी है और महापुरुषों की वाणी भी है जी। बहुत अच्छा लगा। नर्मदे हर नर्मदे हर।